बात करते हैं नेशन टाइम के न्यूज रूम में सुजीत सम्राट जी, जो दिल्ली प्रदेश के भीम आर्मी के प्रभारी हैं और एक अधिवक्ता भी हैं। सुजीत जी, कुछ भीम आर्मी के बारे में बताइए कि क्या चल रहा है, कैसी गतिविधि चल रही है भीम आर्मी के बारे में। देखो, भीम आर्मी दिल्ली प्रदेश के अंदर जो काम कर रही है, दिल्ली प्रदेश के अंदर तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पूरे दिल्ली के अंदर नौजवान साथियों को तैयार कर रहे हैं कि वो भीम आर्मी के कॉन्सेप्ट से जुड़े हैं। क्योंकि भीम आर्मी जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कॉन्सेप्ट को, महात्मा ज्योतिबा फूले के कॉन्सेप्ट को और माननीय काशीराम साहब के कॉन्सेप्ट को पूरे देश के अंदर जन जन में फैलाना चाहती है। जो इक्वलिटी की बात है, जो संविधान की प्रेम्बल है, क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना है वो देश को और भारत को, जो भारत में जो संविधान है, संविधान का जो प्रेम्बल है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते हैं जो प्रेम्बल है वो एग्जीक्यूट होने चाहिए पूरे देश के अंदर। तो भीम आर्मी के जितने भी नौजवान साथी हैं, भीम आर्मी के जितने भी सैनिक हैं, वो सारे देश के अंदर भारत के संविधान को लागू कराना चाहते हैं। और जो समस्या है पूरे देश के अंदर, जो SC ST OBC के खिलाफ जो एट्रोसिटीज़ हैं, उनको दूर करना चाहते हैं। भीम आर्मी का जो कॉन्सेप्ट है, भीम आर्मी का कॉन्सेप्ट यही है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को एजुकेट करना। जो नौजवान साथी हैं हमारे, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को नहीं जानते, महात्मा ज्योतिबा फूले को नहीं जानते हैं, जो माननीय काशीराम साहब जी को नहीं जानते हैं, उन लोगों को बताना कि समाज में पे बैक टू सोसाइटी करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग भी जो बैठे हैं, जो समाज में अच्छी अच्छी नौकरियों पर हैं, अच्छे अच्छे पदों पर, IAS PCI डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी के बाद में बने हैं। हमने भी जो काला कोट पहन रखा, हम भी जो अधिवक्ता बने, एडवोकेट बने हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से बने हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी को घर घर में पहुँचाना, बच्चों को बताना कि भाई आप कैसा अपना जीवन जियेंगे, ये भीम आर्मी का काम है। और भीम आर्मी का दूसरा जो बड़ा काम है, वो पूरे एरिया में भीम पाठशाला चलाना। भीम पाठशाला में बच्चों को एजुकेशन दी जाती है और लोगों को ये तैयार किया जाता है कि अपने बच्चों को एजुकेशन दो, क्योंकि एजुकेशन एक बड़ी पावर है। क्योंकि बिना एजुकेशन के आप समझ नहीं पाओगे दुश्मन की रणनीति को। इसलिए भीम आर्मी पूरे देश के अंदर ये काम कर रही है। और चंद्रशेखर अभी जेल में है, चंद्रशेखर जैसे ही बाहर निकलेंगे तो भीम आर्मी को पूरे देश के अंदर एक क्रांति बनाकर पूरे देश के अंदर पूरे जितने भी लोग हैं उनके घर में पहुँचाया जाएगा, बच्चों को बताया जाएगा और एक बड़ा मोमेंट तैयार किया जाएगा। अभी जो माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित हुआ है, जो संशोधन किया गया है SC ST Act में, उसे भीम आर्मी किस तरह से देखती है? भीम आर्मी उसे देखती है कि जो 20 मार्च 2018 को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, आदेश क्या दिया है कि एक उन्होंने गाइडलाइंस दी है कि जो SC ST Act है वो आज़ादी के 42 साल के बाद बनाया गया। अब ये सोचना होगा कि 42 साल के बाद में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई देश को या संसद को कि ऐसा कानून बनाया जाए। क्योंकि देश में SC ST के खिलाफ सबसे ज़्यादा एट्रोसिटी होती थी, आज भी होती हैं, रुकी नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि गाइडलाइन बना दी जाए, जब SC ST हमारे पास में एक कानून ऐसा है कि जहाँ भी एट्रोसिटी होती हैं वहाँ पर गिरफ्तारी होती है, तो लोगों को डर है, समाज में लोगों को डर है कि हम SC ST के खिलाफ कोई भी एट्रोसिटी करेंगे या उनके खिलाफ कोई भी अत्याचार करेंगे तो कानून है जो हमें जेल पहुंचाने का काम करेगा। मगर आज जो गाइडलाइंस दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो गाइडलाइंस दी हैं उनसे ये साबित होता है कि जो लोग थे, जो अत्याचारी लोग थे, आज उनको मनोबल बढ़ गया है कि अब वो और ज़्यादा अत्याचार करेंगे, आज ज़्यादा एट्रोसिटी करेंगे। क्योंकि जो गाइडलाइन, दो गाइडलाइन मुख्य गाइडलाइन है, जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट अगर किसी भी सर्वेंट को, जो SC ST का जो कर्मचारी है, अगर उसको कुछ भी जाति सूचक शब्द अगर बोलेगा, उसका हरासमेंट करेगा, तो वो अगर उस पर केस करना चाहेगा तो डायरेक्ट उसकी गिरफ्तारी नहीं है, उसको पहले अपॉइंटिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो देगा नहीं देगा वो उसकी बात है, तो कितना लंबी बात होगी अब, क्योंकि वो हरासमेंट करता रहेगा, लंबा प्रोसीजर हो गया। और हरासमेंट जब तक करता रहेगा या तो सुसाइड ना कर ले या नौकरी छोड़कर ना चला जाए। अब जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक में क्या है कि आम पब्लिक के पास में जितने भी अधिकार दे हमारे पास में, अब वो इस डायरेक्शन से, जो इन्होंने जो डायरेक्शन दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उससे ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि पहले पिटाई करेंगे, उसके बाद में FIR भी नहीं होगी, FIR किसी वजह से हो भी गई तो गिरफ्तारी नहीं होगी, और गिरफ्तारी के लिए SSP से अप्रूवल लेना पड़ेगा। SSP इतना बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं सारे लोग, आज FIR भी नहीं होती, अप्रूवल तो बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स कि जो SC ST Act बनाया गया था, जो उसका पर्पज था, वो ख़त्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन देने के बाद में। और आज जो उसका पर्पज पूरे देश के अंदर था, जो हम सुरक्षित महसूस करते थे, और हमारे पास एक ऐसा कानून था कि कोई हम पर अत्याचार करेगा तो अत्याचार के खिलाफ ऐसा ही कानून था, कोर्ट में ले जाया जा सकते थे। आज इस डायरेक्शन की वजह से, गाइडलाइन की वजह से पूरा उसका पर्पज खत्म हो चुका है। और पर्पज खत्म होने के बाद में जितने भी देश के अंदर लोग हैं, SC ST जो लोग हैं, वो आज आपको अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं,
और उनको पूरे देश के अंदर एक क्रांतिकारी मूवमेंट तैयार करना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए पूरे देश के अंदर, और रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी, अगर उनको आंदोलन करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी वहीं बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले 4 जो जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो आए थे, उन्होंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा बींग ए अधिवक्ता कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी लिए जा रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि हमारे एक्ट के पर्पज को ख़त्म नहीं किया जाए और इसको दोबारा रिव्यू करा जाए और ख़त्म किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, ये सम्राट जी का कहना है। मैं कैमरामैन मनोज के साथ नेशन टाइम न्यूज़ रूम से।